शहर के पूर्व नागपुर में जायका ग्रुप द्वारा आउटलेट शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के रीजनल मैनेजर अमित सिन्हा के हाथों उद्घाटन किया गया। इस दौरान अंकित मृणाल जायका मोटर्स के डायरेक्टर, कुमार काले जायका मोटर्स के डायरेक्टर, कार्तिक काले जायका मोटर्स की जनरल मैनेजर दीपा खेडकर और जायका मोटर्स का स्टाफ उपस्थित था। ग्राहकों की सुविधा के लिए जायका मोटर्स ने भंडारा रोड पर इस आउटलेट को शुरू किया, ताकि परिसर के नागरिकों को अपने ही परिसर में आसानी से सर्विस ऑटो पार्ट्स मिल सके। इस दौरान हमारी संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने खास बातचीत की है ब्रांच मैनेजर अभय पवार इनसे। आइए डालते हैं एक नजर। शहर के भंडारा रोड पर जो है जायका मोटर्स द्वारा जो है फोर व्हीलर का शोरूम जो है शुरू किया गया है। हमारे साथ यहाँ के अभय पवार जो है, इनसे हम जानेंगे। सर, क्या बताओगे? सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को कि यहाँ पे जो है आपके द्वारा फोर व्हीलर का जो है शॉप, मतलब आउटलेट यहाँ पे ओपन किया गया है, क्या बताओगे? कस्टमर का प्रोफाइल काफ़ी अच्छे सारा है यहाँ पे, तो इसीलिए हम एक नया शोरूम हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, जो यहाँ पे था नहीं, और एक नया आउटलेट भी ओपन हुआ है। तो हम खुद ही चाह रहे कि यहाँ पे अच्छे खासा कस्टमर का फ्लो भी आ जाए, और काफ़ी सारी रेंज है हमारे पास, 6.5 लाख से लेके तो 25 लाख तक हमारे पास रेंज है, जिसमें टियागो, टिगोर, पंच, अभी नई ईवी रेंज भी हमारे पास आई हुई है, जो काफ़ी अच्छी अच्छी रेंज है, और कस्टमर को भी काफ़ी अच्छा अच्छा इसमें रिस्पॉन्स भी मिलेगा, और काफ़ी जिसको हम बोल सकते हैं कि सिटी ऑफ द हार्ट भी बोल सकते हैं इसको, तो इसी हिसाब से एक नया आउटलेट यहाँ पे ओपन हुआ है। यहाँ के मतलब ये जो परिसर है अभी बहुत डेवलप हो चुका है, और यहाँ के मतलब कस्टमर को पहले जो है सिटी में आना पड़ता था, अब उनके लिए यहाँ नई जो सुविधा आपके द्वारा दी जा रही है, तो क्या दर्शकों को आप बताना चाहोगे? एग्जैक्टली, क्योंकि जैसा अगर देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी टाटा मोटर का शोरूम नहीं था, जिसके लिए कस्टमर को काफ़ी लंबा है, 5 से 6 किलोमीटर का दूर सिविल लाइन में आके आप उनको टेस्ट ड्राइव लेनी पड़ती थी। तो अभी उनको बीच में एक ऐसा आउटलेट ओपन हुआ है कि उनकी सुविधा भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी, टेस्ट ड्राइव अगर उनको नज़दीकी टेस्ट ड्राइव मिल जाएगा, शोरूम घर के बाजू में अगर शोरूम आ जाता है, एरिया में अगर शोरूम आ जाता है, उनको वॉकिंग डिस्टेंस पर सारी चीज़ें उनको मिल रही है। अभी तो खैर सेल्स हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, धीरे धीरे सर्विस का भी हम सोच सकते हैं, तो जैसे जैसा कस्टमर का रिस्पांस हमें आएगा तो आगे ज़रूर हम उसको डेवलप करना चाहेंगे उस सारी चीज़। आपने अभी जैसे बताया कि सेल्स यहाँ अभी शुरू किया गया है, कौन सी सुविधा यहाँ पे जो है कस्टमर को मिलने वाली है? सेल्स में जैसा टेस्ट ड्राइव हो गई, कस्टमर को गाड़ियाँ हमने यहाँ पे डिस्प्ले के लिए रखी हुई है, और कस्टमर का रेंज जिस हिसाब से हमने बताया कि 6.5 लाख से हमारे जो रेंज चालू हो रही है, उसी हिसाब से हमने गाड़ियाँ भी यहाँ पे डिस्प्ले के लिए रखी है। जैसा आप देख सकते हैं कि पंच यहाँ पे रखी हुई है, टाटा पंच है, टाटा टिगोर है, जो नया हैरियर का जो नया ओपन हुआ है, जैसा काजीरंगा करके है, उसके बाद पंच काजीरंगा भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने कस्टमर के ही हिसाब से देख के सोच कर ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। बिल्कुल, अभी फिलहाल मतलब कस्टमर से कैसा रिस्पांस आ रहा है? मतलब अभी तो फिलहाल स्टार्ट हुआ है, लेकिन उससे पहले भी लोग आकर जो है बुकिंग करके जाते हैं। एग्जैक्टली, करीबन 10 से 11 बुकिंग आ चुकी है, और कस्टमर का रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है, और हम चाह रहे कि ये रिस्पांस आगे तक रहे, और हम ज़रूर उस सर्विस को भी हम अच्छा, कस्टमर को भी हम अच्छी सर्विस दें, और सारी चीज़ें हम कस्टमर के ही फेवर में करेंगे। तो हमने देखा कि जायका मोटर्स तो जाना माना एक पहचाना जो आउटलेट सभी को पता है जायका मोटर्स, और उसी का आउटलेट जो है भंडारा रोड पर जो है खोला गया है कस्टमरों की सुविधाओं के लिए, और यहाँ के कस्टमरों को अब अपने मतलब बगल में ही जो है यहाँ पे जायका मोटर्स द्वारा जो है सुविधा दी जा रही है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।